गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बजे है सुबह के 8 और गाइस आज है यार शनिवार, जो कि है हरदी का बाजार। और अभी पहुंच चुके हैं तखतपुर मंडी सब्जी खरीदने के लिए। और गाइस आज है यार तो शनिवार, तो मैं बेचता हूं अपने अलग, तो देखते हैं यार मेरे लिए छोटू क्या क्या सब्जी लेकर आता है। गाइस अभी यार सबसे पहले हमने लौकी और पत्ता गोभी लिया है। ये देख सकते हैं पत्ता गोभी 15 रुपए नंग में लिया है, जो कि 36 नंग पत्ता गोभी है। और वहाँ पर रखा हुआ है लौकी, ये देख सकते हैं लौकी को लिया है 10 रुपए नंग में, जो कि 48 नंग है दो बोरी में, एक बोरी इसमें है एक बोरी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं इसको 10 रुपए नंग में लिया है, क्वालिटी तो ठीक ठाक लग रहा है। ये देखो यार ये 4 पीस कटहल लिया है, कटहल को 16 रुपए किलो मिलिया है, लेकिन कितना किलो है अभी पता नहीं है। और साइज़ तो ठीक ठाक भी है, कलर भी ठीक ठाक दिख रहा है। ये देखो ये ज़्यादा अच्छा है, ये वाला कटहल जो है। तो गाइस ये देख सकते हैं मिर्ची खरीदा है यार 40 रुपए किलो में, कल ही 30 रुपए में लेकर गए थे और 10 रुपए पाव मिर्ची बेच रहे थे, लेकिन आज यार 40 रुपए किलो हो गए हैं और 15 रुपए पाव बेचना पड़े। तो गाइस ये देख सकते हैं ये वाला टमाटर लिया है, कल लिया था यार 250 रुपए क्रेट में, वही वाला सेम टमाटर है, आज भी 250 रुपए क्रेट मिल गया है तीनों क्रेट को। और कल लिया था उसको भी छोटू लेकर आ गया है, ये देखो गाड़ी में ही है, उतारने चढ़ाने के पड़ता है करके ले आया है। और 3 क्रेट बचा हुआ, 1 क्रेट को भी गाँव घूम कर बेचने के लिए ले गया है। तो गाइस ये देखो यार ये वाला फूल गोभी लिया है 15 रुपए किलो में लिया है यार, आज सस्ता हो गया यार, लेकिन 10 किलो बच लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। ये देखो क्वालिटी तो ठीक ठाक दिख रहा है, मस्त सफ़ेद सफ़ेद। और वो रहा अपना 3 पन्नी बैगन, 3 पैकेट है उसको लिया है यार। ये देखो एक क्वालिटी का सेम अपना वाला, एक ही दुकान से है, एक ही कमीशन से, इसको यार 13-13 किलो है और 130 रुपये पन्नी में लिया है। और ये वाला पन्नी का 10 रुपये एक्स्ट्रा अलग से लेता है यार, ये पन्नी बस। तो फाइनली गाइस यार सभी सब्जी खरीदी हो चुका है और आलू भी ले लिया है यार 1150 रुपये में, अब जा रहे हैं यार घर। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी से घर, और चलो गाइस नहाते खाते हैं, फिर मिलेंगे सीधा बाजार के समय। तो गाइस अभी बज चुका है 4 और हम लोग पहुंच चुके हैं हरदी के बाजार, और देखने छोटे सामान उतार रहे हैं और उतारते हैं, फिर सीधा लगाते हैं अपना दुकान। फाइनली गाइस मेरा दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है, और ये देख सकते हैं आज मेरे पास मात्र 2 आइटम है, पत्ता गोभी है और लौकी है। और पत्ता गोभी जो है यार 15 रुपये नंग का है, जिसको बेच रहा हूँ 20 रुपये नंग, और अपना लौकी जो है 10 रुपये नंग का है, इसको बेच रहा हूँ 20 रुपये नंग, और 15 मांगे तो 15 में भेज दे दूँगा। और वहाँ पर भी अपना दुकान लग के रेडी हो चुका है, चलो चल के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं प्याज है और आलू है और वहाँ तक है कद्दू तक, और प्याज को दे रहे हैं 1 किलो 25 आधा 15, और आलू दे रहे हैं 30 रुपये किलो, और टमाटर 15 रुपये किलो, बैंगन 20 रुपये किलो, और कांदा भी है 20 रुपये किलो, और गोभी है 20 रुपये किलो, क्योंकि यार 15 रुपये किलो गोभी है, 25 बेच के देखेगा, नहीं बिकेगा तो 20 ही देगा। और अपना कटहल 30 रुपये किलो, और ये टमाटर भी है 15 रुपये किलो, और कद्दू है 20 रुपये किलो, ये देख सकते हैं यहाँ। और अपना जगह मैं भी रखूँगा, छोटू चला गया है ले करके देखो, और ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना दुकान लग चुका है। चलो गाइस यहाँ पर भी यार कद्दू काट के रख देते हैं, तो फिर 3 आइटम मेरे पास भी हो जाएगा जो सब्जियाँ, ये देख सकते हैं 1-1 किलो काट रहा है, आधा किलो भी काट देना 1-2। और तो चलो गाइस देखते हैं जो मेरे पास 3 प्रकार की सब्जियां है वो बिक पाता है कि नहीं, और बिक पाता है तो कितना का प्रॉफिट होता है। और ये तीनों आइटम जो मेरे पास सब्जी है वो ना 960 रुपये की सब्जी है, ये तीनों आइटम जो है, और वहाँ का अलग, और मार्केट का हाल देख सकते हैं अभी दूर दूर तक ग्राहक तक नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर और यहाँ इसी काम यार रामायण चल रहा है, तो थोड़ा मस्त रामायण घूम रहा है, और देख सकते हैं अभी पूरा वहाँ तक लगा है। पहले ना बस हमारे यहीं तक रहता था, मैं सबसे आखिर में बैठता था और वो दुकान, लेकिन यार अब बहुत दूर यह चला गया है, ये देखो बहुत दूर दूर तक व्यापारी लोग बढ़ गए हैं, और चलन वलन बहुत कम हो चुका है, बहुत व्यापारी लोग बढ़ चुके थे, ये देखो। और इधर भी उस साइड पूरा बहुत लंबा बढ़ा हुआ है, आज बीच में 2-3 लोग नहीं आए थे, बीच खाली है। 20 रुपये नंग कोई से भी छाँट के ले जाए, तौले वाले सिस्टम ना है, जो भी नंग उठा ले, नंग सिस्टम है। हाँ, और कद्दू 20 रुपये किलो है, और पूरा हर एक आइटम 20-20 रुपये है, मेरे पास 3 आइटम है, 20 रुपये नंग लौकी।
पत्ता गोभी 20 रुपए ना, कद्दू भी है 20 रुपए किलो। और कुछ बस दोस्त अपन बिना राइस पहला बोनी में 20 रुपए ना लौकी। चलो गाइस लौकी को 10 रुपए नंग कर दिया है, देख सकते हैं 10 नंग बचा हुआ था, एक को ले लिया और ये करीब 16 नंग बचा हुआ है अपने पास। पत्ता गोभी जो है नहीं बिक पाया अभी और लौकी को 10 ही कर दिया। लौकी 10, पत्ता गोभी 20। वो 10 नहीं पड़ा अभी, 10 में कहा 15 तो नहीं आए सब ले तब हो नहीं आसान। चलो गाइस ये 5 नंग लौकी बचा है, वही बस और बिक जाए यार। अपना कद्दू जो है वो तो बिक गया है, 10-11 किलो था कद्दू जो है। और ये देखो पत्ता गोभी बस नहीं बिक पाया यार, वहाँ पर भी अभी भी बस सब्जियाँ बचा हुआ है, आज उतना खास नहीं बिके है सब्जियाँ जो है वहाँ पर कभी। और ये देखो मेरे बगल में भैया जी है, उसका भी सब्जी ही बचा हुआ है। यहाँ वाला भाई तो बेच कर चला गया, आलू प्याज बस रखा था थोड़ा थोड़ा। भाई तो अपना सब्जी तो पूरा क्लियर नहीं हो पाया, चलो बचे हुए सब्जी को खा लेते हैं। 13 नंग पत्ता गोभी बच गए है और 4 नंग लौकी। ये देखो यार इतना कुछ बचा हुआ है तो भी ठीक ठाक रहा है अपने साइज का बाजार जो है। और को 10 ही दे दिया यार, क्योंकि 20-15 में नहीं ले रहा था, फिर मच जाता तो और ज़्यादा बचता, फिर कल 10 ही देना पड़ता, इसलिए और सस्ता करके दे दिया 10 रुपये में ही। और 13 नंग बस ये बचा है, वहाँ पर छोटू भी उठा रहे हैं। फाइनली गाइस यार सभी सामान को उठा लिया है और जा रहे हैं। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल था यार शनिवार, जो कि था हरती का बाजार। और गाइस कल मैं अपना अलग दुकान लगाता हूँ और अपना अलग सब्जी बेचता हूँ मात्र शनिवार के दिन बस। और मैं बेच रहा था यार कद्दू, लौकी और पत्ता गोभी, ये 3 आइटम बेच रहा था यार, जिसमें का कद्दू बस पूरा क्लियर बिक पाया और 4 नंग पत्ता गोभी बच गया और वही 13 नंग बचा हुआ है अपने पास पत्ता। और मेरे पास जो सब्जी था यार 960 रुपये का टोटल सब्जी था, जिसको मैंने सेल किया था 1210 रुपये का। तो गाइस मेरे को यार
310 रुपये प्रॉफिट हुआ है और मेरे पास बचा हुआ है पत्ता गोभी, चार नंग लौकी और बस यही दोनों आइटम बचा हुआ है। और गाइस मेरे पास जो सभी सामान है वो 20 रुपये में ही सेल नहीं हुआ है, 15 भी बेचना पड़ा, 10 रुपये भी बेचना पड़ा। पत्ता गोभी को 15 में भी दिया और लौकी को 15 में दिया, बाद में 10 भी करके दिया, तब जाकर इतना प्रॉफिट हुआ है। और अभी भी करीब करीब मेरे पास 200 रुपये का सब्जी बचा है मान के चलो, तो मेरे को यार ज़्यादा नहीं 500 रुपये प्रॉफिट होगा 960 रुपये के सब्जी में, तो बहुत है यार इतना जो है। और कहीं सब सामान 20 रुपये में ही सेल होता यार तो मेरे को बढ़िया प्रॉफिट होता, लौकी में ही 480 रुपये प्रॉफिट हो जाता यार, और पत्ता गोभी में अलग से मिलता और कद्दू में अलग मिलता तो ज़्यादा बन जाता, लेकिन यार कम ज़्यादा करके बेचना पड़ता है, सभी सामान एक रेट में नहीं बिकता है। और गाइस आज है रविवार, आज नहीं जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, आज मौसम भी ख़राब है यार थोड़ा, और आज का बाज़ार भी एकदम डाउन रहता है, तो थोड़ा थाड़ा छोटू के पास सब्जी बचे हुआ था उसी को लेकर जाएंगे यार बेचने के लिए। अभी मौसम दिखाते हैं आपको कैसे हो रहा है हमारे गाँव। तो गाइस ये देख सकते हैं आज का मौसम पूरा बादल काला हो रखा है और हल्का हल्का पानी गिर के छोड़ भी दिया है देख सकते हैं। और अभी ये देखो गरज भी रहा है यार और बिजलियाँ भी रहा था, हल्का हल्का पानी गिर के छोड़ दिया है देख सकते हैं। अपना गली का नज़ारा है ये पूरा, ये देखो इस साइड भी यही है अपना गली। तो चलो गाइस आज के वीडियो जो है यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप कि आप लोग को आज के वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम गाइस।